ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योगी सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग, लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय शामिल हुए। ये कार्यक्रम अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आयोजित किया था। कार्यक्रम के बहुत राजनीतिक मायने भी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। अतुल गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारों से योगी आदित्यनाथ सरकार से कोई तुलना नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए लखनऊ उत्तर के बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार उनके दिमाग में बन रही हो, लेकिन धरातल का सच ये है कि बीजेपी पिछली बार 304 थी, इस बार 350 के पार रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में आए पदाधिकारी विधायक व मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य को देखेंगे और इसकी चर्चा वो वैश्य समाज में करके बीजेपी को एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही होगी, निश्चित रूप से बन रही होगी, उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सत्य यह है कि पिछली बार 304 था, इस बार 350 पार है। हम लोग ये मान के चलते हैं क्योंकि जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश किन लोगों के हाथ में सुरक्षित है, जहां पर एक योगी एक संत नेतृत्व कर रहा हो, जो स्वयं दो कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व हो। एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है, तो लोग महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। और कोरोना की इस विभीषिका में जो आज का पूरे देश के अंदर सेलिब्रेशन है 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन का, निश्चित रूप से वह सराहनीय कार्य है और दुनिया के लोगों ने इसकी सराहना की है। हमारे यहाँ विपक्ष सराहना करे या न करे, लेकिन यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने ये कहा कि अगर ये 5 फीट का योगी हमारे देश में होता तो हमारे यहाँ भी कीर्तमान हो जाता। इसका मतलब दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अच्छा कार्य है। मैं ये चाहूँगा कि इस विषय पे आप अनुसंधान करें। जैसे 17 मेडिकल कॉलेज थे 70 सालों में, अब 55 बन रहे हैं, 38 पूरे हो गए। इतनी गंभीर, अगर रोज़मर्रा की भी अगर आप शिकायतें सुनते हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके अलावा पता पड़ा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ गई, महामारी आ गई, डेंगू भी आ गया और व्यवस्थाएँ बढ़ा दी गई। जैसे कि कोई भी प्रसूता है उसके घर वैन जाएगी, उसको लेके आएगी, उसका भोजन का इंतजाम होगा। कोई भी बीमार है उसके यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, लेकर के आएगी, उसका इलाज होगा। ठीक है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, उसका विस्तार करा। हर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ एक्सरे की डिजिटल मशीन ना हो। 55 से ज़्यादा बड़े जिलों के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगा दी, जिसके लिए क्या किया, 1000 रुपया लगते थे। एंडोस्कोपी शुरू कर दी, 300 से ज़्यादा RT-PCR हो गई, जबकि एक भी नहीं थी। तो कई चौतरफा लड़ाई के अंदर तुलना ही नहीं है पहले की और अब की। मेरे गाज़ियाबाद के अंदर जो OPD थी वो 3000 थी, 2500 थी, अब 6000 है, क्योंकि लोगों को दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई, अब कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जाती। तो इसकी जो तुलना है वो पूर्व सरकारों से की ही नहीं जा सकती। ये तो एक सोतावा विभाग था जिसको माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी चुस्त दुरुस्त करके दौड़ा दिया गया है। देखिए, लगातार जिस समय ये योगी सरकार आई थी तो 8000 डॉक्टर थे, आज आपको बता दें कि 17000 डॉक्टर हैं, 18000 डॉक्टर हैं। और जैसे जैसे हम सुविधाएं बढ़ाएंगे और इलाज की क्वालिटी बढ़ाएंगे, वैसे ऐसे मैन पावर पहले से ज़्यादा चाहिए और उसका लगातार इंतजाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, अयोध्या।